तो हाँ मम्मी सच बोल रही हैं। ताना ताना तानला। वैसे तो रोने वाली बात नहीं है, लेकिन होते ना ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं। 16 अगस्त ना मेरे लिए बहुत ज्यादा खास दिन है, क्योंकि अभी भी काफी जगह ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ पर रोक लगाते हैं, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आगे जाकर व्लॉगर बनूंगी करके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार घी संक्रांति। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से घ्यू त्यार घी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। घी संक्रांति उत्तराखंड का एक लोक पर्व त्योहार है, ये मनाया जाता है भाद्रपद महीने के पहले दिन पे। तो आज से भाद्रपद का महीना शुरू हो गया है, अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और अभी हम सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर अब त्योहार बनाना शुरू कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद आज मॉर्निंग के टाइम पे सामने वाली पहाड़ी पे खिली खिली धूप देखने को मिल रही है और चारों ओर हरियाली देख के ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ससुर जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं पकौड़े बनाने की तैयारी। आज हम लोग जितने भी पकवान बना रहे हैं वो हम लोग ना अपने आग वाले किचन पे बनाएंगे। तो मम्मी चले गए हैं अंदर और उन्होंने आग भी जला ली है, बाकी अपना पकवान बनाना शुरू करते हैं। और आज है 16 अगस्त, तो 16 अगस्त ना मेरे लिए बहुत ज्यादा खास दिन है। बाकी ये खास दिन क्यों है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे को बताऊंगी, और जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें पता है कि आपका खास दिन क्यों है करके। तो मम्मी ने यहाँ पे चूल्हे पे आग भी जला ली है और महक को भी ना यहीं पर लेके आए हैं हम लोग, और महक ना अब धीरे धीरे करके बैठने लग गई है। तो यहाँ पे खेलने के लिए उसे बर्तन दिया है। खाना बना रहे हो आप अभी से? खाना बना रहे हो? क्या बना रहे हो? पूरी निकालोगे इससे? पकवान में सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं पूरी। तो मम्मी ने यहाँ पे चूल्हे पे ना कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। आज इस वाली कढ़ाई का ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो मम्मी ने आज बड़ा बर्तन ही चढ़ा रखा है चूल्हे पे। बनाने का काम भी कंप्लीट हो गया है और अब मम्मी बना रहे हैं पकौड़े और मेरी तैयारी हो रही है यहाँ पे पुए बनाने की। तो पुए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना चाशनी भी तैयार कर ली है और अब ना इसे आटे के साथ मिलाते हैं, फिर उसके बाद पुए बनाएंगे। लोगों ने पकवान भी बना लिया है और पकवान बनाने के बाद ना यहाँ पे महक को भी नहला लिया है। तो अब ना हमारी गुड़िया रानी भी रेडी हो गई है और आज ना महक और नमन का ना पहला घी त्योहार है। नमन भी घी त्योहार के टाइम पे नहीं हुआ था, अभी उसे साल भर नहीं हुआ है। तो आज ना हमारे मिस्टर नमन का पहला त्योहार है, लेकिन नमन यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, अगर साथ में होते तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं, ननिहाल में वो भी त्योहार खा रहा होगा, घी खा रहा होगा। और यहाँ पे ना गुड़िया रानी भी आज हमारे घी खाएगी। आगे मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मेरा ना बहुत ज्यादा खास दिन भी है, बहुत स्पेशल डे है, और ये स्पेशल डे क्यों है वो आप लोगों को ना मम्मी बताएगी। क्यों है मम्मी आज स्पेशल डे? इसी दिन इसी तारीख को 3 साल पहले ना, हाँ 3 साल पहले आपने YouTube चैनल खोला था। ये मम्मी को याद है, मैंने मम्मी को नहीं बताया था, जब मैंने स्पेशल डे बोला ना आगे मम्मी को याद आ गया था। तो हाँ मम्मी सच बोल रही है, आज ना मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो ये कह सकते हैं आप लोग की आज मेरी यूट्यूब की एनिवर्सरी है। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है की मुझे ना 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ना आगे को भी ऐसे प्यार देते रहोगे और मैं आप लोगों के लिए ना अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज घी त्योहार के दिन ना मैंने अपनी गुड़िया रानी को नए कपड़े पहनाए हैं और ये ड्रेस ना इसके चाचा चाची लेके आए थे हल्द्वानी से, और ये ड्रेस में ना ये काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही है। और अभी महक की नजर ना अपने चाचू पे है, वहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, अब ना महक को भी घी खिलाते हैं। आज घी संक्रांति है तो आज के दिन ना घी खाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। घी संक्रांति के दिन त्योहार खाने के बाद गांव की सभी महिलाएं मिलकर चाचरी भी लगाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में ना ऐसा नहीं होता है, यहाँ की महिलाएं चाचरी नहीं लगाती हैं और जगह काफी जगह पर चाचरी लगती है। तो पापा मम्मी यहाँ पे ना अपनी नातनी के साथ चाचरी लगाने लग गए हैं। ताना ताना तानला।
मैं खुश हो रही चाची। अब तो इसने ना पाँव उठाना भी सीख लिया, देखो चाचरी में। आओ फिर आओ मम्मा के पास, दादी खाना देगी हमको। सबसे पहले हम लोग महक को खिलाएंगे, चलो आओ। हाँ आओ आओ चलिए जी। यहाँ पे सबसे पहले ना मम्मी ने महक को दे दिया है, और आज हम लोगों ने पकवान में बनाए हैं पूरी, मीठे पुए, पकौड़ी, और साथ में है सेवैया और रायता। और मम्मी ने यहाँ पे ना सेवैया में घी डाला हुआ है, तो अब ना महक को घी खिलाते हैं। मतलब ज्यादा तो नहीं खिलाएंगे, थोड़ा सा चखाएंगे, वरना अगर आज के दिन में ये घी नहीं खाएगी तो अगले जन्म में ना गनेल बनेगी, घोंगा बनेगी, ऐसा हमारे वहाँ पर कहते हैं। तो अगर आप लोग घी नहीं खाते हो तो अपने कोहनी पर फिर भी लगाना होता है, लेकिन ये घी में बना हुआ खा सकती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हैप्पी घी संक्रांति बोलेंगे ना, हैप्पी घी त्योहार। मेरे गुनु ने घी खा दिया, गनेल नहीं बनेगा। गनेल का मतलब होता है आलसीपन, तो अगले जन्म में ना तू आलसीपन नहीं करेगी, ठीक है। और खेलना है, और क्या चाहिए। चलिए जी, अब हम लोग भी ना त्योहार में बने हुए पकवान खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को उसके बाद। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं, और अब जाके मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। दिन भर में आज मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आज काफी टाइम बाद गांव में खिली खिली वाली धूप आई थी, तो मैं अपने कामों में ना व्यस्त हो गई थी। और आप लोगों को पता ही है आज मेरी YouTube की एनिवर्सरी है, तो मुझे ना काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि YouTube में काम करते हुए मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। जब मैंने YouTube पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा घबराई हुई थी, डरी हुई थी। मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे कैमरा पकड़ना चाहिए, कैसे तरीके से बोलना चाहिए। काफी सारी गलतियां स्टार्टिंग में मैंने की है, और अभी भी गलतियां तो मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि पहले से मैंने ना थोड़ा सुधार लाने की कोशिश की है। और आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं, उस टाइम पर मेरे बोलने का जो ट्यून था, जो तरीका था ना, थोड़ा सा अलग था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके ना मैं बोलने का तरीका सीख रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारे साथ ना लोग जुड़ते हैं, फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर ना और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। दोस्तों शाम के समय पर हमारे गाँव का मौसम ना फिर से बारिश वाला बन गया है। सामने वाली पहाड़ी पर भी काले बादल छाए हुए हैं, और इस साइड भी ना काले बादल छाए हुए हैं। तो अभी महक ना अपने बुआ की गोदी पे है, और मस्त करके यहाँ पे घूमी घूमी कर रही है ना। बुआ के साथ अच्छा लगता है ना आपको घूमी घूमी करना। और इसकी नजर ना यहाँ पर गोल्डी पे है, अभी तो मुझ पे है ना, अभी तो मुझ पे है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आगे जाकर व्लॉगर बनूंगी करके, मैंने बस यूट्यूब पर कदम रखा अपने मिस्टर जी की वजह से। मिस्टर जी ने डिसीजन लिया था तुम ब्लॉगिंग करो, डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग बनाओ करके। उस टाइम तो मैं मना करते रही, लेकिन मिस्टर जी की जीत के वजह से मैं यूट्यूब पे आई, सच कहूँ तो। लेकिन आज ना जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, गांव से बाहर निकलती हूँ, जब YouTube फैमिली के मेंबर्स मिलते हैं, मेरे रिश्तेदार मिलते हैं, ससुराल साइड के रिश्तेदार मिलते हैं, वो बोलते हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे ना मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, अपने मिस्टर जी पे प्राउड फील होता है कि उन्होंने ना मेरे लिए इतना सही डिसीजन लिया। क्योंकि अभी भी काफी जगह ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ पे रोक लगाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो ना मुझे खुद आगे भेजा है, और पीछे से अभी भी वो मुझे ना हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं तू आगे तू बढ़, पीछे से मैं हूँ, तो डरने की क्या बात है। तो अभी भी ना मेरे हस्बैंड जी यानी कि मेरे मिस्टर जी ना मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और इस टाइम पे भी अगर ना मतलब वीडियो बनाना होता है जब, तो ना वही बना देते हैं। और सच कहूँ तो उनकी तारीफ में क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपने मिस्टर जी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वैसे तो रोने वाली बात नहीं है, लेकिन होते ना ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं, जो कि उस टाइम पे मिस्टर जी ने मेरे लिए सही डिसीजन लिया। और उस टाइम पे मिस्टर जी की बात मान के अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आती, शायद इस टाइम पे मैं एक हाउसवाइफ बनकर रहती, पढ़ाई वगैरह करती, लेकिन ना लोगों में अपनी पहचान नहीं बना पाती। यूट्यूब में आने की वजह से आज मैं घर बैठकर पैसा भी कमा रही हूँ, साथ ही साथ इज्जत भी कमा रही हूँ, नाम भी कमा रही हूँ, और साथ में ना सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी मेमोरीज भी सेव कर रही हूँ। कल परसों महक लोग बड़े होकर अपनी वीडियोज देखेंगे तो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस टाइम पे ना मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है कि मैंने मिस्टर जी की बात मानी करके। और अभी भी ना मैं मिस्टर जी की बात मानती हूँ, मुझे अब भी बोलते हैं कि अभी भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं तुझसे, और मुझसे ना सबसे बड़ी गलती ये होती है मैं बोलते जाती हूँ तो ना कहीं कहीं पे मैं शब्द अधूरे छोड़ देती हूँ। तो उनके लिए ना जितने भी शब्द बोलूँ ना वो कमी है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मैं अपने वीडियो में बोलती हूँ कि यूट्यूब में आने की वजह ना सिर्फ मिस्टर जी हैं, तो उन्होंने मेरे लिए ना काफी सही डिसीजन लिया है, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आपके मिस्टर जी वीडियो में क्यों नहीं दिखते हैं, वो वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं करके। तो उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मिस्टर जी मेरे वीडियो में नहीं आते हैं, उसका रीजन ये है कि वो नहीं चाहते
चाहते हैं कि उनकी वजह से ऐसा लगे लोगों को कि हाँ इसका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, ये आ रहा है, तब जाके ये आगे बढ़ रही है करके। वो चाहते हैं कि एक औरत भी ना आगे बढ़ सकती है, ये तुम्हें साबित करना है। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं मिस्टर जी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ मेरे वीडियो में आओ करके, लेकिन मिस्टर जी बोलते हैं तू वीडियो शूट तो कर, पीछे से मैं हूँ, जहाँ पर गलत होगा मैं बताऊंगा लेकिन मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। कभी कभार मैं बहुत ज्यादा जिद करती हूँ तब जाके ना वो वीडियो में आते हैं, नहीं तो वो वीडियो में आना ना उतना पसंद भी नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि एक लड़की ना आगे बढ़े, अपने दम पर आगे बढ़ के दिखाए, ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे महक अपनी दादी के साथ ना मस्त खेलों पर लगी हुई है और दादी ना महक के लिए गिफ्ट लाए हैं, पुराना फोन खेलने के लिए। और इसे देखो फोन छोड़कर ना फिर भी झुंझुना से ही खेल रही है।